ओम सभी को शुभ नमस्ते। सदनों आज हम बात कर रहे हैं शीर्ष आसन की। शीर्ष जो सुनने मात्र से ही लगता है कि शिखर की कोई बात होगी, चोटी की कोई बात होगी, और वैसे भी सिर के ऊपर शरीर को का संतुलन बनाना होता है। उस संतुलन बनाने से हमें कितने लाभ मिलेंगे, कितनी प्रेरणा मिलती है इससे। हम जैसे ही किसी बालक बच्चे को, किसी नौजवान को, किसी युवती बहन बेटी को, किसी को करता हुआ देखते हैं शीर्षासन, तो स्वयं अपने अंदर ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो हम भी किया करते थे कभी। बड़े बुजुर्गों को भी एकदम फुर्ती सी आ जाती है, लगता है कि अरे जवानी में हम भी करते थे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना, आप वृद्धावस्था तक भी शीर्षासन का लाभ ले सकते हैं। इतना प्यारा आसन है शीर्षासन, पर थोड़ा सा शुरुआत में संतुलन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे भी मैं आज इस क्रम के अंदर, इस कड़ी के अंदर कई प्रकार का शीर्षासन कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जो शीर्ष आसन पूरी तरह से भी नहीं कर पाते, वो और विधि का जो शीर्षासन मैं बताऊंगा, उनको करके भी आप शीर्षासन का लाभ ले सकते हैं। आप शीर्षासन के जब लाभ से अवगत होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस शीर्षासन से इतने लाभ होते हैं। हमारे बालों को स्वस्थ करता है सर्वप्रथम शीर्षासन, कुछ देर तक हमारे बालों को काले रखता है, यानी कि नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से हमारे बाल काले हैं और वो किसी शारीरिक गड़बड़ के कारण यदि वो सफ़ेद होने लग जाते हैं, नज़ला इत्यादि के कारण, कोई स्ट्रेस इत्यादि के कारण यदि हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, वो हमें अच्छे नहीं लगते, तो बालों को सफ़ेद होने से कुछ समय तक बचाएगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा को हम चुनौती दे सकते हैं। हम काल के प्रवाह के कारण तो हमारे बाल सफ़ेद भी होंगे, झड़ेंगे भी, और बालों को झड़ने से भी बचाता है शीर्षासन। अल्प समय में, अल्प आयु में हमारे बाल सफ़ेद नहीं होंगे, श्वेत नहीं होंगे और झड़ेंगे नहीं। इसके अलावा आँखों की ज्योति बढ़ाता है शीर्षासन। आँखों की ज्योति बढ़ेगी तो हमें किसी भी कार्य को करने में असुविधा नहीं रहेगी, हमारे चेहरे पे चश्मा नहीं लगेगा, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। सजनों, शीर्षासन के करने से हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी और पीनियल ग्रैंड्स में जो रक्त का प्रवाह पहुंचेगा, उससे हमारी स्मृति अच्छी होगी, याददाश्त अच्छी होगी। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो मेधावी बनना चाहते हैं, रितंभरा से अलंकृत होना चाहते हैं, उनको शीर्षासन बहुत लाभ करेगा। ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी करना चाहिए, और जिनके मस्तिष्क का स्ट्रेस बढ़ता है दिन भर कंप्यूटर वर्क करने से, उनको शीर्षासन बहुत लाभ देगा। सजनों, शीर्षासन किसी को चक्कर आते हैं तो नहीं करना चाहिए, मिर्गी आती है, दौरा पड़ता है मिर्गी का, नहीं करना चाहिए। हाई या लो बीपी ऑलरेडी हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, हृदय रोग है तो नहीं करना चाहिए, कमर दर्द ज़्यादा है, स्लिप डिस्क इत्यादि है तो नहीं करना चाहिए, कान बहता है तो नहीं करना चाहिए, और कुछ चक्कर आते हैं तो नहीं करना, सर्वाइकल माइग्रेन है तो नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप शीर्षासन वक्त रहते ही करते रहेंगे, अपने बच्चों को करवाते रहेंगे, तो गर्दन की मांसपेशियां इतनी मजबूत, स्वस्थ और सशक्त हो जाएंगी कि ना ही तो जीवन में सर्वाइकल माइग्रेन होगा, ना ही कभी चक्कर आएंगे, ना ही कभी मिर्गी का दौरा पड़ेगा, ना ही कभी हाई या लो बीपी, उच्च या निम्न रक्तचाप आपकी समस्या आपको सताएगी। बहुत उत्तम होता है ये शीर्ष आसन, और इस शीर्ष आसन के करने से आपको, जिन भाई बहनों को हर्निया है उसको हर्निया नहीं होगा, जिनको आंतों में सूजन आती है, आंत्र शोध हो जाता है, वह नहीं रहेगा, जिन्हें वेरिकोज वेन्स होती हैं, नीली नसें पड़ जाती हैं, वह नहीं होंगी, कभी जीवन में भी नहीं हो सकती। शीर्षासन करने वाले को वेरिकोज वेन्स नहीं होंगी, जिनके पैरों में भड़काव रहता है, पैरों में जलन सी होती है, तलवों में जलन सी होती है, वो नहीं होगा, क्योंकि रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ आने वाला है। शीर्षासन जब आप करेंगे तो बहुत गजब के आपको लाभ मिलेंगे, और गर्दन मजबूत होने से आपके कंधे मजबूत होंगे, कंधे और गर्दन का एक ही जुड़ाव है। सिर की तरफ रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ने से
जहाँ महिलाओं को प्रमेह जैसी समस्या है, बंधत्व की समस्या है या मासिक धर्म की कोई समस्या है, उनमें से उनको निजात मिलेगी। बहुत अधिक लाभ देने वाला शीर्षासन होता है। इस शीर्षासन में को यदि हमारा नाक बंद रहता है, यदि हमारा नाक नकसीर छूटती है तो नहीं करना चाहिए। यदि नाक बंद है तो फिर कुछ पहले आसन प्राणायाम इत्यादि कुछ कसरत वगैरह करके करना चाहिए, क्योंकि नाक उनके सांसों के प्रवाह से खुल जाता है तो बाद में करना चाहिए। तो आइए अब हम करते हैं शीर्षासन को ऐसे स्थान पर जो नव सिखुआ भाई बहन करना चाहते हैं, तो वो ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ दो दीवारें इस तरह से मिलती हैं, कॉर्नर बन जाता है। उस कॉर्नर में पे ना हम दाएं गिरेंगे, ना बाएं गिरेंगे, ना पीछे गिरेंगे, और जिधर से हम गए थे उधर हम वापस आकर के पैर के पंजे टिका लेंगे। इसमें सावधानी ये भी है कि हम घुटने ना टिकाएं। तो आइए अब करते हैं प्रैक्टिकल। अब हम शुरू कर रहे हैं शीर्षासन। तो सर्वप्रथम ऐसे एक कोई दुपट्टा इत्यादि कुछ लेकर के उसका इस तरह से घेरा बना लेंगे, और यहाँ पर जो नव सिखुआ भाई बहन हैं उनको इस घेरे के अंदर सिर को व्यवस्थित करना है। तो ये दो दीवारों का कोना मिलता है यहाँ पे, ऐसे कोने की जगह आप चिन्हित कर लें और वहाँ ये सिर टिकाएंगे। हाथों को इस तरह से उंगलियाँ इंटरलॉक कर लेंगे और यहाँ पर आपने सिर टिकाना है इस घेरे के अंदर। ये नए अभ्यासियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उंगलियाँ मैंने कर ली, फिंगर इंटरलॉक, और अब यहाँ सिर टिका के और ऐसे ऐसे आप करेंगे, ये पोजीशन ले लेंगे। अब जिन भाई बहनों को संतुलन बनाने में डर लगता है कि हमारा नहीं होगा, तो इतना ही आसन आप करते रहेंगे बड़ी उम्र वाले, तो आपका शीर्षासन का लगभग 70% लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सिर पे पूरा शरीर का वजन है, मेरे पंजों पे अंगूठे मात्र पे थोड़ा सा वजन है, बस सारा वजन सिर पे आ रहा है। तो ये ऐसे भाई बहन सज्जन बड़े लोग जो लाभ लेना चाहते हैं लेकिन पूरा शीर्षासन ना कोई कराने वाला है और ना करने की हिम्मत बची है, तो ऐसे करके आप लाभ लेंगे, आपको 70% लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो ऊपर जाना चाहते हैं, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, वो पहले एक पैर को ऐसे उठाएंगे और ऐसे संतुलन बना देंगे। अब मेरे कमर लग गई है दीवार के दोनों कॉर्नर के अंदर। अब जो साधक नए हैं, ना वो पीछे गिर सकते, ना वो दाएं बाएं गिर सकते, आंखें इसमें प्रारंभ में खुली रखें जब तक आपका संतुलन ठीक से ना बन सके, और जब आपका संतुलन बनने लग जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए कि मैं नहीं गिरूंगा नहीं गिरूंगी, तो आंखें फिर बंद करके भी आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे, जिस प्रकार मैंने दीवार का इस समय सहारा लिया हुआ है दो कॉर्नर का, यदि हम पूरे जीवन भी इस तरह करते रहे, गिरने का जिनको डर है दीवार के सहारे, तो आसन का पूरा लाभ आपको मिलता ही रहेगा। आवश्यक नहीं है कि आप बिल्कुल खुले मैदान में करें और वहाँ गिर के चोट लगने का खतरा हो, पीछे की तरफ गिर जाएंगे तो कहीं स्लिप डिस्क हो सकता है, कहीं कमर में और कोई झटका लग सकता है, गर्दन मुड़ सकती है। इसलिए नए अभ्यासी शुरू में ऐसा दीवार का कॉर्नर देख करके ही करें तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपको लंबे समय तक या पूरा जब तक भी शीर्षासन करेंगे तब तक इसी तरह के कॉर्नर का भी यदि आपको सहारा लेना पड़े किसी आयु विशेष के लोगों को, तो कोई बुराई नहीं है, आसन का पूरा लाभ आपको मिलता ही रहेगा। और जिन्हें लगता है कि दो पैर ऊपर नहीं जा पा रहे, वो ऐसे एक पैर को यहीं रख ले, बेशक एक पैर और ऊपर ले गई, जहां आपको पहले जो मैं बता रहा था 70% लाभ, अब वो 80 में आ जाएगा, और आपको क्योंकि पैर नीचे टिका हुआ है उसका आपको सहारा मिल रहा है, उधर कमर लग गई, गिरने का कोई डर नहीं है आपको, तो बहुत अच्छे से आप आसन का लाभ ले सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप वापसी आएंगे तो
सबसे पहले आप अपने ऐसे टोज ही टिकाएंगे, पंजे। घुटने टिकने पे घुटनों के ठुकने का खतरा होगा, घुटनों पे चोट लगने का खतरा होगा। और जब आप वापसी आएंगे तो अभी तक क्योंकि पूरे शरीर का वजन आपके सिर पे था, अब केवल सिर का और कंधों का वजन सिर पे रखना है आपने, कुछ देर ऐसे ही रहना है, फिर धीरे धीरे सिर को उठाना है, बहुत धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे। और इसके पश्चात आप शीर्षासन से वापसी खड़े होकर के ताड़ासन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको और भी, जब आप थोड़े से अभ्यासी हो जाएं, तब दीवार का कोना ना मिले तो कोई बात नहीं, स्मूथ दीवार हो, कोई भी दरवाज़ा हो, यहाँ तो मैं दरवाजे के साथ कर रहा हूँ, चाहे आप स्मूथ दीवार के साथ कर लें, भले ही ऐसे जो बराबर की दीवार है, क्योंकि सहारा, ये सहारा आपको दो कॉर्नर वाला कुछ दिन के लिए चाहिए, बस 2-4-10 दिन में ही आपको दीवार के सहारे पर आ जाएंगे, फिर आपको उस सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये घेरा अवश्य रखें तो इसमें सिर की नसों पे प्रभाव भी नहीं पड़ता, दबाव नहीं पड़ता, इसलिए आप ये किसी नरम कपड़े का, मुलायम कपड़े का घेरा बना के रखें। फिर आप यहाँ पे प्लेन दीवार के सहारे भी आराम से कर सकते हैं। और यदि आपको लंबे काल तक भी दीवार का सहारा लेना पड़े तो कोई इसमें हिचक और झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक निश्चिंतता रहेगी कि मैं पीछे नहीं गिरूंगा, गिरूंगी। और उसके पश्चात जब आप संतुलन ठीक से बनाने लगे तब आप भले ही खुले मैदान में शीर्षासन करें, ये समकोण आसन करें, इसके अंदर ये ऐसे करें, और किसी भी तरह से, ये तो था सहारे के साथ, लेकिन आप अपना अभ्यास बढ़ाने के बाद इसे कैसे भी करें खुले पैरों से। इस प्रकार से आप शीर्षासन करके अनेकों रोगों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। और जब आपका शीर्षासन जो आसनों का राजा है वो आप करेंगे तो आपके अंदर जो उत्साह और उल्लास आएगा उससे जीवन का अलग ही आनंद आपको मिलेगा। तो ये आपने देखा कई तरह का शीर्षासन, जिनको करके आप सभी प्रकार के आयु के भाई बहन लाभ ले सकते हैं। इस शीर्षासन को यदि आप भारी व्यायाम करते हैं कुछ, तो उसके कुछ देर बाद रुक के करें। वैसे तो प्रारंभ में ही शीर्षासन हमें करना चाहिए, कोई भी व्यायाम करना चाह रहे हैं, योगाभ्यास प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ही करें तो अच्छा रहेगा। और उसके पश्चात इसी समय अवधि, क्योंकि जब शुरुआत में आप अभ्यास करने ही जा रहे हैं तब तो आपके समय की गणना हो नहीं सकती, करना शुरू किया इतने में संतुलन बिगड़ गया, गिर गए, फिर करना शुरू किया तो कुछ दिन में आपका संतुलन बनना शुरू होगा। उसके पश्चात आप इसको 15 सेकंड से शुरू करते करते 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट 3 मिनट तक लेके और 5 से 10 मिनट तक अभ्यास करते जाएं, और धीरे धीरे जब आप अच्छे संतुलनकर्ता बन जाएं तो आप इसको 20-25 मिनट से आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। और कोई अलग लक्ष्य लेके चलते हैं, कहीं किसी तरह का रिकॉर्ड बनाना होता है तो वो घंटों घंटों भी करते, तो मैं उसकी बात आपको नहीं कह सकता आम आदमी को। तो आप इसे 10-20 मिनट तक तो आराम से अभ्यास कर सकते हैं, समय बढ़ाते बढ़ाते, लेकिन सारी कुछ शरीर की जो गड़बड़ियां हैं वो ठीक रहनी चाहिए, किसी तरह की शरीर के अंदर मानसिक समस्या ना हो, क्योंकि सिर की तरफ प्रेशर आएगा तभी आप इसको ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शुभ नमस्ते।